इंजीनियर स्टूडेंट्स मैं इंजीनियर आयुष शर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर आयुष मेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आर का जो टॉपिक हमारा पोलिनोमियल चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं तो एक्सरसाइज थ्री का जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो अपन आगे कंटिन्यू करेंगे तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फोर का कह रहा है सबसे पहले अपन को क्या करना है मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें वैसे आपका प्यार मुझे खूब मिल रहा है मेरे सब्सक्राइबर एब आ, वन वन हंड्रेड हो चुके हैं और भी आपको आगे शेयर करना है खूब सब्सक्राइब कीजिए तो देखिए अगर अपना अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज थ्री आर वालों का एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर फोर है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ़ टू नंबर्स इज फोर्टी फाइव डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ़ टू नंबर कोई दो नंबर हैं उन दोनों नंबरों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या है फोर्टी फाइव है सॉल्यूशन देखते हैं हम और उसने कहा है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ फोर टाइम द स्क्वायर ऑफ़ लार्जर नंबर छोटे वाले नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े वाले नंबर का क्या है हमेशा फोर टाइम है देखिए बच्चों जब भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि फोर टाइम फोर का मल्टीप्लाई कहाँ करें ज़्यादा है मोर देन है तो क्या करें देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर कहीं भी आपको एज लिखा दिखाई दे आप इसकी जगह क्या लगा लगाएंगे इजुकल टू लगाएंगे अगर आपको कहीं पे भी मल्टीप्लाई दिखाई दे तो मल्टीप्लाई का मतलब तो आप जानते ही हो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लिखाई लिखा दिखाई दे आपको तो आप क्या लगाओगे मल्टीप्लाई लगाओगे डिवाइड में आप जानते ही हैं टाइम से लिखा आ जाए आपको कहीं पे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा ठीक है ना ऐसे ही आपको कहीं पे अगर मोर देन लिखा आ जाए तो मोर देन में आप क्या लगाओगे प्लस लगाओगे लेस देन अगर लिखा आ जाता है तो आप क्या लिखाओगे माइनस लगाओगे डिक्रीज लिखा आ जाए कहीं पे डिक्रीज में आप क्या लगाओगे माइनस लगाओगे कहीं पे आपको अगर इंक्रीज लिखा दिखाई दे जाए इंक्रीज में आप क्या करोगे प्लस लगाओगे तो बड़ बड़ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसे वर्ड कहीं दिखाई दें तो आप इनको एक जगह नोट कर लीजिए माइंड में याद कर लीजिए कि की जगह आपको इजकल्ट लगाना है मल्टीप्लाई की जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन प्रोडक्ट की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन टाइम्स की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन मोर देन की जगह पे प्लस का साइन लेस देन की जगह पे माइनस का साइन डिक्रीज माने भी माइनस होता है और इंक्रीज माने प्लस होता है ठीक है ना ये सब वर्ड जो हैं ये अपने थोड़े काम के हैं तो आप इनको थोड़ा याद रखना अब इनको देखते हुए अपन आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हमारा क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले तो हमारे पास नंबर नहीं नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे नंबर ही हमें लेट करना पड़ेगा नंबर को हमें मानना पड़ेगा तो लेट द कैसे नंबर स्मॉलर नंबर और एक लार्जर नंबर तो लेट द स्मॉलर नंबर लेट द स्मॉलर नंबर स्कॉलर स्मॉलर नंबर हम क्या मान लें एक्स मान लेते हैं और लार्जर नंबर को हम क्या मान लेते हैं लार्जर नंबर को हम क्या मान लेते, है? लेते हैं वाई मान लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली बात उसने हम कहाँ से स्टार्ट करें द डिफरेंस डिफरेंस माने भी आपको क्या होता है डिफरेंस माने अंतर दोनों में अंतर तो हाँ ये बात भी मैं बता दूँ आपको कि सम अगर लिखा आ जाए तो आपको प्लस लगाना है और अगर डिफरेंस लिखा आ जाए तो आपको क्या लगाना है माइनस क्योंकि सम माने क्या होता है प्लस होता है तो डिफरेंस आ गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स दोनों नंबर्स के स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दिया और वाई का स्क्वायर कर दिया एक्स का स्क्वायर कर दिया और बाई का स्क्वायर कर दिया और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है फोर्टी फाइव है अब मैंने ये चीज़ लिख तो दी सर पर क्या ये चीज़ सही लिखी तो इसको हम चेक कैसे करेंगे देखिए इसने हम, हमने क्या माना था स्मॉलर तो तो नंबर को क्या माना था एक्स माना था लार्जर नंबर को क्या माना था बाई माना था तो क्या हम स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर को माइनस कर सकते हैं नहीं कर सकते तो क्या करेंगे हमें क्या करना होगा लार्जर नंबर को हम आगे लिखेंगे और स्मॉलर नंबर को पीछे लिखेंगे सर आई समझ में तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया फोर्टी फाइव हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है ना आई बात समझ में इक्वेशन नंबर वन लिख देते हैं नेक्स्ट अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट उसने कहा एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर लीजिए स्क्वायर स्मॉलर नंबर क्या है अपना एक्स और एक्स का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इज आ गया अब इसकी जगह हम क्या लगा देंगे इसकी जगह लगा देंगे इज इक्वल टू इज फोर टाइम्स तो फोर और टाइम्स की बल्दी मैंने क्या बताया था आपको मल्टीप्लाई आपको दिमाग लगाना ही नहीं है आपको ये वर्ड याद रखने जहाँ पर यह वर्ड आ जाए हमें तो वहाँ पर वो साइन लगा देना है बस लार्जर नंबर लार्जर नंबर क्या है अपना वाई है मतलब कि इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर बराबर फोर वाई इक्वेशन नंबर टू आई बात समझ में अब वाई इक्वेशन वन एंड टू इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से क्या आता है देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास फोर वाई आई है इक्वेशन नंबर टू में जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आई है फोर वाई आई है तो इस फोर वाई को हम इस एक्स स्क्वायर की जगह पे रख देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इजल टू फोर्टी फाइव आई बात समझ में इस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी फोर वाई थी वो हमने पुट कर दी फोर्टी फाइव को यहाँ पे ले आता हूं मैं तो वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस फोर्टी फाइव इजल टू जीरो अब हमारी एक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई तो हम यहाँ से क्या है इनके फैक्टर करके अब बाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो फैक्टर कैसे करेंगे 45 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि माइनस करने पे क्या आ जाए 4 आ जाए ऐसे तो 45 को इस हिसाब से हमें तोड़ना है इसके फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे 45 के फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव थ्री थ्री जा नाइन और थ्री वन जा थ्री आगे बात समझ में 45 के फैक्टर हो गए तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए फोर आना चाहिए तो क्या होंगे ऐसे फैक्टर बताइए थ्री थ्री जा नाइन और एक फाइव तो नाइन और क्या हो जाएगा फाइव देखिए नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव होता है नाइन और फाइव का डिफरेंस क्या होता है फोर होता है तो बाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई प्लस फाइव वाई माइनस फोर्टी फाइव बराबर ज़ीरो अब मैंने यहाँ पे ये प्लस क्यों लिया क्योंकि मुझे माइनस करने पे फोर चाहिए ना तो मैं नाइन में से फाइव को माइनस करूँगा तभी तो, तो फ़ोर आएगा दोनों को साइन में एक कर देता माइनस माइनस लगा देता तो ये प्लस ना हो जाते क्या आगे वाले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर वाई कॉमन आ रहा है क्या आ जाएगा वाई माइनस नाइन प्लस पीछे वाले में से क्या कॉमन आ रहा है फाइव कॉमन आ रहा है क्या बच जाएगा वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो आगे आगे वाले डिजिट्स को लिख लेते हैं आगे आगे वाले डिजिट क्या आ जाएंगे हमारे पास y प्लस फाइव और एक क्या आ जाएगा y माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो अब इन दोनों नंबर्स को अपन रख देते हैं एक बार तो मैं y प्लस फाइव को जीरो करावर एड रख दूंगा तो प्लस फाइव वहाँ पे चला जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का फाइव ऐसे ही मैं y माइनस नाइन को वहाँ पे लिख देता हूँ तो y की वैल्यू क्या जाएगी? 9 आ जाएगी नाइन आ जाएगी आई बात समझ में तो वाई की हमारे पास दो वैल्यू आ गई एक माइनस फाइव और एक नाइन लेकिन क्या कभी भी कोई नंबर जैसे इस फॉर्म में हमको दे रखा है तो कभी भी हमें नेगेटिव वैल्यू तो उसमें लेनी नहीं है हमेशा हम क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू क्या, क्या है हमारे लिए नॉट टेकन वैल्यू होगी ये वाली हम वैल्यू लेंगे वाई की वैल्यू क्या आई हमारे पास नाइन ना आ गई अब इस वाई की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन रख दीजिए यहाँ रख दीजिए पुट वाई इजल टू नाइन इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू में यहाँ रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर फोर इन टू वाई की जगह में क्या रख दूंगा नाइन रख दूंगा फोर नाइन जा थर्टी सिक्स स्क्वायर को मैं वहाँ पे ले जाता हूँ तो स्क्वायर क्या में चेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा और सिक्स का जो थर्टी सिक्स है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा देखिए मैंने आपको बताया था रूट में से डिजिट आती है तो हमेशा प्लस और माइनस की आती हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस जो है वो क्या होता है नॉट टेकन वैल्यू इसलिए एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सिक्स बात समझ में तो नंबर्स आर नंबर्स आर नंबर्स क्या हो गए हमारे लिए नाइन कॉमा सिक्स क्या हो जाएंगे नाइन और सिक्स हमारे नंबर होंगे आई बात समझ में तो पॉज वीडियो टू बी नोटेड डाउन देखिए अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव का कह रहा है कि डिवाइड सिक्सटीन इंटू टू पार्ट्स सच दैट सिक्सटीन को दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कीजिए इस प्रकार डिवाइड कीजिए दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ़ लार्जर पार्ट इज़ मोर देन 164 सिक्सटी फोर फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ़ स्मॉलर पार्ट आइए देखिए सबसे पहले हम एक बात सीखते हैं मान लीजिए मेरे पास दस रुपये हैं और उन दस रुपयों को मुझे दो आदमियों को देना है मान लीजिए मैंने एक आदमी को सात रुपये दे दिए तो मैं दूसरे आदमी को कितने रुपये दे पाऊँगा मेरे पास जितने रुपए बचेंगे उतने रुपए दे पाऊंगा कितने रुपए दे पाऊंगा तीन रुपये दे पाऊँगा मान लीजिए मेरे पास पंद्रह रुपये हैं मैंने एक जने को आठ रुपये दे दिए अब मुझे दूसरे को देने होंगे तो मैं कितने दे पाऊँगा मेरे पास पंद्रह में से जितने बचेंगे मैं उतने दे पाऊँगा कितने रुपये दे पाऊँगा सात रुपये दे पाऊँगा इसी प्रकार मेरे पास अगर सोलह रुपये हैं एक को मैंने नौ रुपये दे दिए तो दूसरे को मेरे पास जितने बचेंगे सोलह में से कितने बचेंगे सात रुपये बचेंगे तो मैं उसको कितने रुपये दे पाऊँगा सात रुपये दे पाऊँगा इसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार एक जने को मैंने अगर एक्स रुपए दे दिए मुझे पता नहीं मैंने कितने रुपए दिए तो मैं मान लूंगा मैंने एक जने को कितने रुपए दे दिए एक्स रुपए दे दिए तो दूसरे को मैं कितने रुपए दे पाऊंगा सोलह माइनस एक्स आगे बच्चों बात समझ में एक रुपये को मैंने अगर एक्स दिया है तो दूसरे को दूसरे बच्चे को मैं कितने दे पाऊंगा जितने पास मेरे सोलह में से बचेंगे तो सोलह में से कितने बचे सोलह माइनस एक्स बचे तो मैंने दूसरे बच्चे को कितने दिए सोलह माइनस एक्स रुपये दे दिए आगे ने बात समझ में तो वही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्सटीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए सिक्सटीन को क्या में डिवाइड कीजिए दो पार्ट्स में तो देखिए लेट स्मॉलर पार्ट स्मॉलर पार्ट को मैं क्या मान लेता हूं एक्स मान लूंगा तो ग्रेटर पार्ट क्या हो जाएगा तो लार्जर पार्ट मेरा क्या हो जाएगा सिक्सटीन माइनस एक्स आगे बात समझ में दूसरा वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा सिक्सटीन माइनस एक्स हो जाएगा अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं डिवाइड सिक्सटीन इंटू टू पार्ट हमने सिक्सटीन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सबसे ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है ट्वाइस मतलब की टू का मल्टीप्लाई थ्राइस मतलब की थ्री का मल्टीप्लाई ट्वाइस माने टू का मल्टीप्लाई और थ्राइस माने three का मल्टीप्लाई तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट लार्जर पार्ट का स्क्वायर ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज मोर देन इज मोर देन मैंने कहा था मोर देन में आपको क्या लगाना होगा प्लस लगाना होगा इज मोर देन वन सिक्सटी फोर द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इसकी जगह इजल टू वन सिक्सटी फोर मोर देन स्मॉलर पार्ट आई बात समझ में इसने क्या कहा कि डिवाइड दिक्सटीन इन टू पार्ट सच दैट ट्वाइज द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट हमने ये लिख दिया कि ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन स्क्वायर ऑफ़ स्मॉलर पार्ट अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है तो टू इंटू इसको मैं ए माइनस बी की होल स्क्वायर से खोल दूंगा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज टू वन सिक्सटी फोर प्लस एक्स स्क्वायर तो टू इंटू सिक्सटीन का स्क्वायर कितना होता है हंड्रेड फिफ्टी सिक्स माइनस सिक्सटीन टू जा थर्टी टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वन सिक्सटी फोर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे टू का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो टू का अंदर मल्टीप्लाई होगा सिक्स टू जो ट्वेल्व के टू फाइव टू जे टेन और वन इलेवन का वन टू टू जो फाइव और वन माइनस थर्टी टू इंटू टू करेंगे थर्टी टू में भी टू का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सिक्सटी फोर एक्स प्लस टू का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो टू एक्स स्क्वायर तो वन सिक्सटी फोर प्लस एक्स स्क्वायर आई बात समझ में टू का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया तो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व आ गया टू का मल्टीप्लाई थर्टी टू में तो सिक्सटी फोर आ गया थ्री टू सिक्स और एक्स स्क्वायर से कर दिया तो टू एक्स स्क्वायर इन टर्म्स को मैं इधर ले लेता हूँ तो टू एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस का सिक्सटी फोर एक्स यहाँ पे पहले से ही है और ये फाइव हंड्रेड ट्वेल्व है ये यह यहाँ पे आके का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू जीरो आई बात समझ में टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा माइनस का सिक्सटी फोर एक्स फाइव हंड्रेड ट्वेल्व में से वन सिक्सटी फोर गए तो कितने बचे ट्वेल्व में से फोर गए तो एट टेन में सिक्स गए तो फोर फोर में सेवन गया तो थ्री आई बात समझ में अब हमें इसे 348 के इस तरह फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर कितना आए 64 आ जाए तो अपन को ये 348 के फैक्टर करने हैं टू बन जा टू टू सेवन जा फोर्टीन टू फोर जहा एट, टू एट जा सिक्सटीन टू सेवन जा फोर्टीन थ्री टू जा, सिक्स थ्री नाइन जा, ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी नाइन बन जा ट्वेंटी नाइन आ समझ बात अब हमें इसमें से ऐसा पेयर बनाना है कि प्लस करने पर 64 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 342 आ जाए तो हमें 64 लाना है देखिए कैसे करेंगे अपन प्लस करने पर 64 चाहिए हमें प्लस करने पर कितना चाहिए 64 चाहिए हमें तो देखिए मैं इसमें पेयर बना देता हूँ ट्वेंटी नाइन के साथ टू का और थ्री के साथ इस वाले टू का तो ट्वेंटी नाइन इंटू टू करने पर कितना आएगा फिफ्टी एट और थ्री टू जा करने पर कितना आएगा सिक्स आएगा तो फिफ्टी एट और सिक्स कितने हो जाएंगे सिक्सटी फोर हो जाएंगे और इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा थ्री फोर्टी एट तो हमारे फैक्टर क्या हो गए अब हमारे फैक्टर क्या हो गए फिफ्टी एट और सिक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टी एट एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री फोर्टी एट इज टू जीरो आगे वाले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा एक्स माइनस फिफ्टी एट बात समझ में इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का सिक्स तो एक्स माइनस फिफ्टी एट इज इक्वल टू जीरो बात समझ में आगे आगे वालों को ले लेता हूं एक्स माइनस सिक्स ले लिया और पीछे पीछे वालों को ले लेता हूँ x माइनस फिफ्टी एट इज इक्वल टू जीरो ओके दोनों नंबर्स को मैं एक बार जीरो बराबर रख लेता हूँ क्या क्या आएंगे अपने नंबर जीरो रखने पर तो एक तो x माइनस सिक्स को जीरो बराबर रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई सिक्स आ गई सर ऐसे ही एक्स की वैल्यू एक बार फिफ्टी एट को जीरो बराबर रखूँगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिफ्टी एट आ जाएगी ठीक है एक्स वैल्यू फिफ्टी एट आ जाएगी अब इन दोनों वैल्यू में से हमें लेनी कौन सी है देखिए फिफ्टी एट जो है एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी है स्मॉलर पार्ट माना है तो लार्जर पार्ट जो है वो सिक्सटीन में से माइनस होना ज़रूरी है तो क्या फिफ्टी एट सिक्सटीन में से माइनस होगा भाई 58 जो x की वैल्यू है वो 16 में से माइनस होना कंपलसरी है अगर माइनस नहीं हो रही है मतलब कि वो नंबर हमारे लिए क्या है नॉट टेकन नंबर है। इस नंबर को हम नहीं ले सकते तो x की वैल्यू क्या होगी सिक्स होगी तो हमारा जो स्मॉलर पार्ट है वो क्या आ गया सिक्स आ गया तो स्मॉलर पार्ट और लार्जर पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास सिक्सटीन माइनस सिक्स कितना आ गया बात समझ में 58 हमने वैल्यू क्यों नहीं ली थी क्योंकि इसमें से ये 16 में से माइनस नहीं हो रही थी इसलिए हमने 58 वैल्यू नहीं ली देखिए आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 पर तो एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव में हम किसके बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव में एक टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ये अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का नेचर ऑफ द रूट्स नेचर ऑफ द रूट्स हम कैसे निकालते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जब हमने धराचार्य जो फॉर्मूला पढ़ा था एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए में जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू थी ना यर माइनस फोर एसी थी इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट इसको हम कैपिटल डी से शो करते हैं मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ठीक है ना जो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है इसको हिंदी में हम कहते हैं विभक्त कर डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अब नेचर ऑफ द रूट्स आप कैसे निकालोगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगर डिस्क्रिमिनेंट पहला अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे जो रूट्स हैं तो रूट्स आर रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट या फिर फ्रैक्शनल भी बोलते हैं इनको डिस्टिंग मतलब अलग अलग फ्रैक्शनल माले अलग अलग जिनको हम अलग अलग कर सकें ठीक है ना अगर दूसरे नंबर पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए तो हमारे जो रूट्स हैं तो रूट्स आर इक्वल रूट्स आर रियल एंड इक्वल रियल और क्या होंगे इक्वल होंगे पहली बात हमने यहाँ पर पढ़ा था जब ग्रेटर देन जीरो हो तो रियल होते हैं और क्या होते हैं डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग, अलग आएंगे बीस को डी की वैल्यू अगर जीरो केराबर आ जाती है तो रियल होंगे रूट्स और क्या होंगे इक्वल होंगे एक जैसे होंगे और तीसरा वाला जो है वो क्या है अगर डी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ जाती है तो रूट्स आर नॉट रियल रूट्स आर नॉट रियल बोल सकते हो या फिर क्या हो सकते हो उनको इमेजनरी क्या हो सकते हैं उनको इमेजनरी मतलब कि जो हमारे रूट्स आएंगे वो क्या है इमेजनरी मैंने आपको बताया था अगर रूट के अंदर जो डिजिट है अगर वो माइनस में आ जाती है तो आयोटा कहलाती है वैल्यू वो आप अभी नहीं पढ़ोगे वो आपका पढ़ोगे एलेवेंथ क्लास में पढ़ोगे ठीक है ना तो अभी आपके लिए यही है कि अगर ऐसा कभी वैल्यू आ जाती है तो वो रूट्स का कहलाएंगे अपने इमेजनरी रूट्स कहलाएंगे रियल रूट्स नहीं कहलाएंगे ठीक है तो अपन आप क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड आप इनको याद रखिएगा और एक जगह पे नोट कर लीजिए देखिए क्वेश्चन हमको दिया उसने क्या कि टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इजल टू जीरो इसके हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं कि इसके नेचर ऑफ़ द रूट्स क्या होंगे तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का जो कॉपिशेंट है वो ए की वैल्यू है एक्स का कॉपिशेंट क्या कहलाता है बी की वैल्यू कहलाती है और सी हमारा क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके b की वैल्यू क्या है माइनस तीन का स्क्वायर फोर इंटू ए की वैल्यू टू इंटू फाइव थ्री का स्क्वायर क्या आएगा नाइन आएगा फाइव टू जा टेन फोर जा फोर्टी नाइन में से फोर्टी भी जाएंगे तो कितना बचेगा थर्टी वन बचेगा मतलब कि थर्टी वन जो है वो लेस देन क्या है जीरो ठीक है रूट्स आर नॉट रियल इसलिए हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे रियल नहीं होंगे क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ गई नेगेटिव वैल्यू आ गई जीरो से छोटी वैल्यू आ गई आई बात समझ में नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कराएगी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इजिकल टू जीरो इसमें आप नेचर ऑफ़ द रूट्स बताइए तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू माइनस फोर और सी की वैल्यू फोर तो डी निकालते हैं डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी की वैल्यू क्या है माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन इंटू सी की वैल्यू फोर माइनस फोर का स्क्वायर क्या होता है सिक्सटीन होता है और फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्सटीन में सिक्सटीन गई तो क्या आ गया जीरो तो डी इज इक्वल टू जीरो सो रूट्स आर रियल तो होंगे और साथ में कैसे होंगे इक्वल होंगे रूट्स हमारे कैसे होंगे इक्वल होंगे आई बात समझ में नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इजिकल टू जीरो इसमें हमें नेचर ऑफ़ द रूट्स बताना है तो ए की वैल्यू क्या होगी टू बी की वैल्यू क्या होगी वन और सी की वैल्यू क्या होगी माइनस का वन तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा तो आप सीधा लिखोगे द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पेपर में ये आ चुका है और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपकी टोटल uh, चार नंबर की एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज फोर नंबर की है सेकंड जो अपन ने पढ़ी थी वो तीन नंबर की एक्सरसाइज थी और ये वाली जो टैक्स जो कितने नंबर की है चार नंबर की है तो अगर ये आपने अच्छी तरह से कर ली तो आप चार नंबर आपके बोर्ड में क्या हो जाएंगे पक्के हो जाएंगे बिल्कुल ठीक है तो वैल्यू निकालते हैं वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू, इंटू सी की वैल्यू माइनस का वन वन माइनस फोर टू जा एट और एट का वन से करेंगे तो माइनस का एट वन प्लस नाइन वन प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे कितना आ गया नाइन डी की वैल्यू कितनी आ गई नाइन आ गई और नाइन जो है वो क्या है ग्रेटर देन जीरो सो रूट्स आर रियल एंड फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल वो लीजिए चाहे मैंने आपको क्या बताया था डिस्टिंक्ट बोल लीजिए मतलब कि अलग अलग होते हैं रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे अलग अलग होंगे ठीक है नोट कर लीजिए क्वेश्चन देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स के की वैल्यू फाइंड करिए जिस पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या है रियल और इक्वल है तो ये हमारे लिए इक्वेशन उसने दे दी सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है क्योंकि x की पावर टू नहीं है तो इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे के एक्स का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो के एक्स का एक्स से होगा तो क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का टू से होगा तो क्या आ जाएगा टू के एक्स प्लस का सिक्स इजिकल टू जीरो आई बात समझ में अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है के है बी की वैल्यू क्या है माइनस टू के और सी की वैल्यू क्या है सिक्स है बात समझ में अब इसने कहा है वी नो दैट रूट्स आर रियल एंड रूट्स कैसे हैं रियल हैं और कैसे है? Equal हैं इक्वल हैं तो रियल और इक्वल कब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या होगी हमारी जीरो होगी तब हमारे रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करेंगे वैल्यू पुट करते हैं बी की जगह लिखूंगा मैं माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है के है और सी की वैल्यू क्या है सिक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर और के का स्क्वायर के स्क्वायर सिक्स जा ट्वेंटी फोर के इज टू जीरो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है अब दोनों में आ रहा है फोर कॉमन और के कॉमन यहाँ से फोर के गया तो क्या बचा के बचा और यहाँ से फोर के गया तो केवल क्या बचा सिक्स क्योंकि सिक्स जा क्या होते हैं ट्वेंटी फोर तो एक बार तो अपन फोर के को जीरो बराबर रख देंगे एक बार के माइनस सिक्स को जीरो बराबर रख देंगे फोर का मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो के इज टू जीरो वैल्यू आ जाएगी इसी प्रकार सिक्स वहां पे चला जाएगा के इज क्या आ जाएगी वैल्यू सिक्स आ जाएगी तो अपने पास इस के, के कितनी वैल्यू आ गई दो वैल्यू आ गई जीरो भी हो सकती है और क्या हो सकती है सिक्स हो सकती है ठीक है ना तो पॉज दी टू बी नोटेड डाउन देखिए अब ये सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमको दे रखे उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं चेक कर लीजिए एक्स की पावर टू है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है तो एबीसी की वैल्यू निकालते हैं ए की वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर का कॉपिशियंट क्या कहलाता है ए कहलाता है तो एक्स स्क्वायर कॉपिशियंट क्या है के प्लस फोर बी की वैल्यू क्या होती है एक्स काफिशियंट वो क्या है के प्लस वन और सी क्या है अपनी कॉन्स्टेंट वैल्यू उसने कह दी रूट्स आर रियल एंड इक्वल सो डी की जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की वो क्या होगी हमारी जीरो होगी तो बी की वैल्यू रख दूँ यहाँ से मैं के प्लस वन की स्क्वायर माइनस फोर की जगह फोर ए की जगह क्या लिखूँगा के प्लस फोर इंटू सी की जगह क्या लिखूँगा वन लिखूँगा ओके ए प्लस बी की होल स्क्वायर से खोल दूँ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा माइनस फोर तो माइनस फोर का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस फोर के और फोर का फोर से होगा तो माइनस का सिक्सटीन इक्वल टू जीरो ओके तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर टू के में से फोर से गए तो क्या बचे टू के बचे वन में से सिक्सटीन गया तो क्या बचा माइनस का फिफ्टीन बचा अब माइनस करने पर क्या आना चाहिए फिफ्ट टू आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए फिफ्टीन आना चाहिए तो फैक्टर क्या हो जाएंगे थ्री और फाइव देखना माइनस करने पर टू आएगा क्या बिल्कुल आएगा सर तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए टू आना चाहिए फैक्टर कर दिया हमने आगे वालों में से क्या कॉमन है के कॉमन है के माइनस फाइव पीछे वालों में से थ्री कॉमन है के माइनस फाइव इजुक्ल टू जीरो आगे आगे वाले हमने ले लिए के प्लस थ्री पीछे पीछे वाले हमने ले लिए के माइनस फाइव टू जीरो ओके okay. इसके बाद में दोनों वैल्यू को अपन रख सकते हैं जीरो बराबर तो के प्लस थ्री को जीरो बराबर रख दो और एक बार के माइनस फाइव प्लस थ्री वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का थ्री और ये फाइव वहां पर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो के की दो वैल्यू आ गई माइनस थ्री और प्लस का फाइव ओके नोट कर लीजिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या करा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलो फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल एंड फ्रैक्शनल या फिर डिस्टिंग रूट के एक एक की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिस पर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या है रियल और साथ में फ्रैक्शनल है या फिर डिस्टिंक्ट भी कहलाती है अलग अलग है ठीक है अपन के लिए इक्वेशन दे दी है यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या है के है बी की वैल्यू क्या है दो है और सी की वैल्यू क्या है एक है ओके यहां पे हमारे लिए तीनों वैल्यू दे दिए हैं इसने कही है रूट्स आर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंग कह सकते हैं यहाँ पर क्या कह सकते हैं फ्रैक्शनल कह सकते हैं तो ये कब होता है जब डी की वैल्यू मतलब कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जीरो है तभी तो रूट्स रियल और डिस्टिंग होते हैं तो रखिए वैल्यू टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू के इंटू सी की वैल्यू वन इज ग्रेटर देन जीरो टू का स्क्वायर क्या होगा फोर माइनस फोर के इज ग्रेटर देन ज़ीरो अरे बात समझ में इस फोर के को मैं उधर ले जाऊं तो फोर इज ग्रेटर देन ये फोर के वहाँ जाएगा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा वन इज ग्रेटर देन के या फिर मैं इसको सीधा करके अगर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ के इज स्मॉल देन वन ठीक है ना देखिए के की साइड छोटा वाला साइन है तो यहाँ पे भी के का साइड में क्या रखना है छोटा वाला मतलब कि मुंह बंद रखना है लिख देंगे सो के Is less than K की वैल्यू जो है वो क्या होगी लेस देन वन हो सकती है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो इसके लिए ए की वैल्यू क्या है वन है बी की वैल्यू क्या है माइनस के है और सी की वैल्यू क्या है नाइन है रूट्स कैसे दिए हैं हमारे लिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कैसे है रियल है और डिस्टिंग है तो ये कब होते हैं जब डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से क्या होती है ग्रेटर देन होती है हमेशा तो यहां पर लीजिए बी की वैल्यू रखिए माइनस के का स्क्वायर फोर इंटू ए की वैल्यू वन इंटू सी की वैल्यू नाइन इज ग्रेटर देन जीरो माइनस के का स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर नाइन फोर जा थर्टी सिक्स इज ग्रेटर देन इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस भाई थर्टी सिक्स वो है सिक्स का स्क्वायर ही तो होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब कि जो के की वैल्यू है वो यहाँ पे ऐसे लिखी जाएगी और साथ में के की वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी दोनों के लिए जब मैं इस वाले सिक्स को वहाँ पे ले जाऊँगा तो ये वाला सिक्स वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और जब ऐसे कभी वैल्यू वहाँ पे वहाँ मांग जाके माइनस की हो जाए तो साइन भी क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है मतलब कि ये क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा और ये माइनस वाली अगर वहाँ जाके प्लस की हो जाए तो साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम क्या कह सकते हैं के की वैल्यू जो है वो माइनस सिक्स से तो छोटी है तो वैल्यू ऑफ के इज लेस देन माइनस सिक्स और ग्रेटर देन सिक्स मतलब कि माइनस सिक्स से छोटी और सिक्स से क्या हो सकती है बड़ी हो सकती है आई बात समझ में नोट कर लीजिए देखिए अब अपना बनाइए क्वेश्चन नंबर फाइव लास्ट को एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव का लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं तो ये प्रूव कीजिए कि टू बी बराबर ए प्लस सी होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे लिए उसने क्या दे रखी है वो उसने दे रखी है कि बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ से जो हमारे लिए ए माना जाएगा वो ये है जो बी माना जाएगा वो ये है और सी माना जाएगा वो ये है एक तरह से ए बी और सी हमारे लिए ये है ठीक है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कब होते हैं जब डी मतलब कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जब वो क्या होता है जीरो होता है तब ऐसा होता है तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास बी माइनस सी और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए माइनस बी बराबर जीरो वैल्यू रख दी हमने केवल इसको मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लूँ क्या बिल्कुल खोलिए सर तो ए स्क्वायर माइ माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सही है माइनस फोर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ ए का बी से होगा तो ए बी बी का बी से होगा तो बी स्क्वायर सी का ए से होगा तो ए सी और सी का बी से होगा तो बी सी इजिकल टू जीरो ठीक है ए का बी से बी का ए से हुआ तो ए बी बी का बी से हुआ तो बी स्क्वायर सी का ए से हुआ तो ए सी और सी का बी से हुआ तो बी सी तो मैं इनको सीधा लिख लूँ थोड़ा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी ऐसे लिख दूँ माइनस फोर का अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ माइनस फोर ए बी इससे होगा तो प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर का माइनस से होगा तो प्लस फोर ए सी माइनस का इससे होगा तो प्लस सॉरी माइनस फोर बी सी इजिकल टू जीरो आई बात समझ में। अब स्क्वायर टर्म्स को मैं एक साथ लिख लेता हूँ ए स्क्वायर प्लस फिर बी वाली टर्म आ जाएगी फोर बी स्क्वायर फिर मैं लिख लेता हूँ सी स्क्वायर फिर माइनस का फोर ए बी हैं? अब देखिए फोर ए सी में से टू ए सी के तो कितने बचे टू ए सी माइनस फोर बी सी इक्वल टू जीरो अब ये वाली जो टर्म है एक किसका होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस टू बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी माइनस फोर बी सी प्लस टू ए सी इक्वल टू जीरो आई बात समझ में अभी देखिए हमने नाइन्थ क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था क्या पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस सॉरी टू ए प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी ये फार्मूला होता है तो उसी फार्मूले का ये खुला हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म है ये हमें किस में चेंज कर देनी है शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर देनी है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम क्या कर देंगे इसकी शॉर्ट फॉर्म बना देंगे क्या बना देंगे ए की जगह ए ले लेंगे बी की जगह टू बी ले लेंगे और सी की जगह क्या ले लेंगे सी ले लेंगे और होल इसका लगा देंगे अब बात रहेगी साइन लगाने की साइन हम कैसे लगाएंगे हमारी इक्वेशन देखिए कौन सी दो डिजिटों में साइन सेम है यहाँ पर साइन सेम है माइनस का तो इन दोनों इक्वेशन में कौन सी वैल्यू सेम है देखो फोर फोर तो पर कांस्टेंट है हमारे पास फोर है ही नहीं ए है क्या दोनों में नहीं है बी है दोनों में मतलब कि बी दोनों में कॉमन है इसका मतलब बी ही क्या है नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास बाकी सब वैल्यू क्या है पॉजिटिव है दो इक्वेशन हमारी माइनस की थी तो माइनस किसकी वजह से थी इसकी वजह से थी बी की वजह से क्योंकि दोनों में ही बी है आएगा समझ में ऐसे तो अब ये होल स्क्वायर बराबर जीरो स्क्वायर वहाँ पर जाकर क्या बन जाएगा हट जाएगा तो ए प्लस सी माइनस टू बी बराबर जीरो आया तो समझ में ये हमें प्रूव करना का टू बी बराबर ए प्लस सी या फिर ए प्लस सी बराबर टू बी तो पॉज वीडियो टू तो बी नोटेड डाउन तो आज के लिए इतना ही और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ख़ूब इसको शेयर कीजिए और कोरोना से आप ज़्यादा से ज़्यादा बच के रहिए घर में रहिए सुरक्षित रहिए खूब पढ़िए पढ़ने में बिल्कुल कमी नहीं करनी है आपको खूब और जो भी अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं और जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड टू मैथ यू ऑल्सो आस्क मी क्वेश्चन इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट ओके okay, जो भी चीज आपको पूछनी हो आप उसे पूछ सकते हैं ओके थैंक यू आज के लिए इतना ही काफी है